अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मामाज मेड किचन। आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त की निहायत क्विक, आसान और उन खवातीन के लिए जो काम करती हैं बहुत ही इजी रेसिपी। आसानी से बनाएं चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ और कुछ चीज़ें रेडी टू कुक करके बस अपने घर पर सेव कर लीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल करें। इसके लिए हमें चाहिए चंद आलू, तकरीबन 4 से 5, डिपेंड करता है आप आलू ज़्यादा खाना चाहते हैं आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिया टोमेटो पेस्ट, पहले से ही टमाटर को मैंने पेस्ट की फॉर्म में ग्राइंड करके अपने पास रख लिया था। साथ मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 1/2 kg के करीब मैंने बकरे का गोश्त लिया है। आप चाहें आप चिकन में भी बना सकते हैं या आप बीफ में भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी आपके टेस्ट पे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ प्याज का को ग्राइंड करके जिस तरह से मैंने टमाटर को ग्राइंड करके रखा था वो रख लिया अपने पास। मसालों में सिंपल से मसाले जो मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास है धनिया पाउडर जो कि मैंने यूज़ किया है तकरीबन 1.5 चम्मच, मतलब के चाय का चम्मच। साथ मेरे पास है रेड चिली पाउडर जो मैंने 2 चाय का चम्मच यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और मेरे पास नमक है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर नमक को 1.5 चम्मच लिया है। साथ थोड़ी सी हम इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी डालेंगे। साथ मेरे पास छोटी इलायची है, 2-3 से 3 मैंने छोटी इलायची ली है और 2 से 3 ही लौंगें इस्तेमाल करूँगी। और साथ हम इसमें यूज़ करेंगे जी दही, टमाटर और दही दोनों ही इस्तेमाल होंगे। सालन खट्टा नहीं होगा तो सालन टेस्टी बिल्कुल नहीं बनेगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। एक प्रेशर कुकर में मैंने सबसे पहले ऑयल डाल लिया है। ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसके अंदर अपना पिसा हुआ प्याज जो मैंने ऑलरेडी पीस कर रखा था। आप चाहें आप इसको रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। पीस कर थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डाल दीजिए इसके अंदर ताकि आपका प्याज ख़राब नहीं हो और फ्रिज में इजीली सेव हो जाए। अच्छे से इसको हम भून लेंगे ऑयल में, जब तक ये हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये प्याज अभी कच्चा है, इसमें बाकी चीज़ें हम शामिल नहीं कर सकते हैं। अब ये पक कैसे जाएगा आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको गाइड करती हूँ। जब इसमें छोटे छोटे बबल्स आप बनते हुए देखेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका प्याज रेडी है, अब आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स को शामिल कर सकते हैं। और जी हमारा प्याज हो गया है रेडी, लाइट सा ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो जनाब मैं यहाँ पर जो चीज़ ऐड करने जा रही हूँ फ्लेवर के लिए वो है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आप इसमें यूज़ कर सकते हैं तकरीबन 1 चुटकी के करीब, इससे फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। फिर मैंने शामिल कर दिया इसमें गोश्त, गोश्त में थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी अच्छे तरीके से। हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये पेस्ट भी मैं बनाकर रेफ्रिजरेट कर लेती हूँ ताकि कभी इंसान के पास वक्त नहीं होता, मसरूफ़ होता है तो वो फटाफट से निकाले फ्रिज से और ऐड करे और आराम से जो है वो अपनी हांडी प्रिपेयर कर ले। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पीस कर आप अपने फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, प्याज भी, टमाटर भी, लहसुन अदरक का पेस्ट भी। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर इसको भूना है, भूनने के बाद मैं इसमें सारे मसाला जात जो मैंने आपको पहले बताए थे मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारे के सारे एट अ टाइम, और अच्छे तरीके से इसे दोबारा से भून लूँगी। जितना आप अच्छे तरीके से गोश्त को भूनेंगे उतना ही आपके सालन का फ्लेवर जो है वो दुबाला हो जाएगा। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टोमेटो पेस्ट जो मैंने बनाकर रखा हुआ था, ये भी मैंने रेफ्रिजरेट किया हुआ था। देखिए जनाब कलर कितना ज़बरदस्त आया है, रेड रेड सा कलर आया है, बस यही कलर आपको रिक्वायर्ड है आपके सालन में। जब आप बहुत ज़्यादा मसालों को जला लेते हैं, पका लेते हैं तो ये कलर नहीं रहता। अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं हम जी थिक सी दही जो मेरी घर की बनाया हुआ दही है, और उसको मैं रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए बाहर ताकि थोड़ा खट्टा हो जाए, क्योंकि अगर दही खट्टा ना हो तो सालन में वो टेस्ट मज़े का नहीं लगता। जी हमारे तमाम मसाला जात भून चुके हैं, गोश्त भी हमारा उन मसालों में भून चुका है। अब हम गोश्त को गलाने के लिए इसमें डाल देंगे पानी और इसे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में। प्रेशर लगा देंगे जनाब 15 से 20 मिनट के लिए
और दूसरी तरफ हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे अपने आलू को। आलू को छील कर अच्छे से साफ कर लें, पानी में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें। इसके बाद दो हिस्सों में तकसीम कर लें जैसे कि मैंने आपको दिखाया हुआ है। और अब जब हमारा गोश्त भुन गया है, प्रेशर कुकर को मैंने खोल लिया 15 से 20 मिनट के बाद। पानी तमाम खुश्क हो गया हुआ था, गोश्त गल चुका था। आलू डालने के बाद, भूनने के बाद मैंने शामिल किया इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी, जितना मुझे शोरबा रिक्वायर्ड था। अच्छे से किया इसको मिक्स और 10 मिनट के लिए प्रेशर पे लगाने के बाद लीजिए, देखिए हमारा आलू गोश्त पककर तैयार है। मज़ेदार गर्मा गर्म हरा धनिया के साथ इसको आप सर्व करें और ऊपर से इस पे गार्निश करें आपका गरम मसाला पाउडर, जो कि आप घर पर भी प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत बहुत इजी रेसिपी है इसकी। इसकी रेसिपी भी मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। लीजिए जनाब, मुंह में पानी आ रहा होगा आप सबके, मज़ेदार सा गर्मा गर्म सा आलू गोश्त क्विक 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 रेडी है और बहुत आसान है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, स्पेशली वो खवातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं और मसरूफ़ हैं, वो इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।